व्हाट्स अप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमज़ेन, यू आर वॉचिंग एचटीरेक्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, इन्जॉय कर रहे होंगे। और आपको पता ही है, चंद दिन पहले इंडिया ने जो है अग्नि 5 मिसाइल सिस्टम का जो है ना सक्सेसफुल टेस्ट किया था। और जहाँ एक तरफ पाकिस्तान का जो फॉरेन ऑफिस है उसने इस पर ऑब्जेक्शन किया जी कि कम अज़ कम जो है ना 3 दिन पहले बताया जाता है किसी भी मिसाइल टेस्ट के बारे में, ताकि जो है ना सेफ्टी मेजर्स लिए जा सकें। इंडिया ने हमें 1 दिन पहले बताया, तो इस तरह का कोई बयान था वो फॉरेन ऑफिस की। मैं न्यूज़ पढ़ रहा था तो उस पर हम क्या ही कहें। लेकिन मज़ेदार बात यह कि चाइना जो है, चाइना का न्यूज़पेपर ग्लोबल टाइम्स, उसने इस चीज़ को बड़ा प्रेज़ किया है। अब हम सबको पता है कि ग्लोबल टाइम्स जो है वो एक आप कह रहे हैं कि सरकारी लेवल का न्यूज़पेपर जो है माना जाता है, क्योंकि उसकी जितनी भी खबरें होती हैं वो प्रो गवर्नमेंट होती हैं। तो उन्होंने इस चीज़ को प्रेज़ किया, तो ये एक डेवलपमेंट है जिस पे बात करनी चाहिए मेरे ख्याल में। तो वीडियो का टाइटल है कि चाइना आल्सो प्रेजेज इंडिया अग्नि 5 मिसाइल। शुरू करते हैं, सब्सक्राइब कर लो। 3, 2, 1 बचा दी। आज नरेंद्र मोदी साहब ने तकरीबन 1000 ने लाखों लोगों की जान बचाई। देखें, न्यूक्लियर जिस मुल्क में, जिस जगह पे, जिस जमीन पे वो गिरता है ना, उसकी डेफिनेशन आप जापान से ले लीजिए। ये तो वो नहीं है कि हिरोशिमा में जो बम गिरा, नेगोशिएट किया, पूरी जमीन तबाह हो गई, बंजर हो गई जमीन। आज भी सुनने को मिलता है कि उधर लोग लूले लंगड़े पैदा होते हैं। और देखें, उधर जब वो बम गिरा कितने लोगों की जान गई, लाखों हजारों की जान गई। आज इंडिया, आज नरेंद्र मोदी साहब किस पावर में आ चुके हुए हैं, मैं आपसे ये बात करना चाहूंगा कि देखें, नरेंद्र मोदी और इंडिया आज दुनिया की जंग रुकवा सकते हैं। आज दुनिया में बड़े बड़े बम, जिसे एटॉमिक बम कहा जाता है, बहुत बड़े बम होते हैं कि कहते हैं कि जिस जगह पे वो बम गिरे तो इंसान पिघल जाते हैं। मरना तो दूर की बात है, इंसान पिघल जाते हैं। मैं आलमी अदारों से ये बात करना चाहूंगा। अच्छा। मैं CNN से बात, देखे CNN की आज की रिपोर्ट आपने पढ़ी होगी, जिस रिपोर्ट में उन्होंने ये चीज बताई कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी की वजह से आज रशिया ने बम नहीं चलाया, बम नहीं फेंका। इस पे तो हम बात कर भी चुके हैं। अवार्ड के हवाले से क्या कहना चाहेंगे, मिलना चाहिए या इस बार मिलेगा, नॉमिनेट होंगे? मैं सर आलमी अदारों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, उनसे ये बात करना चाहूंगा, उन्हें बताना चाहूंगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया में पीस को लेके चल रहे हैं। आज उन्होंने रशिया में लाखों करोड़ों हजारों लोगों की जान बचाई। देखें, वो बम उधर गिर जाता तो कितने लोगों की जान जानी थी, जमीन तक तबाह हो जानी थी। यूक्रेन के लोग, आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को क्या है, वो नोबेल पीस अवार्ड के हकदार नहीं बनते? ठीक है, उन्हें अवार्ड मिलना चाहिए। और ये छोटी बात नहीं है कि पाकिस्तान से, मतलब इंडियन प्राइम मिनिस्टर के लिए पाकिस्तान से कोई पाकिस्तानी शहरी ये बात करता नजर आ रहा है। एक चीज मैं और क्लियर करता चलूं, हमारा चैनल छोटा सा एक चैनल है, कुछ लोग देखते हैं या बहुत से लोग देखते हैं, लेकिन ये चीज की मुझे गारंटी है, एजुकेटेड लोग इस चीज को जानते हैं कि बहुत सी एजेंसीज हैं इंटरनेशनल लेवल, बहुत से ऐसे अदारे हैं जो ऐसी वीडियोस को देखते हैं कि भाई ये है कि आप अपनी ह्यूमन रिसोर्स मैन पावर को कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं और उन्हें क्या देते हैं। हमारे यहाँ जैसे सारे लीडर ने वो की कर दे रहे हैं, वो कहते हैं भाई जो ट्विटर से फेसबुक से फेक न्यूज बनाई जाओ और फैलाई जाओ और उसका हम आपको 20,000 देंगे। ठीक है, ऐसे ही है, 20,000 देंगे भाई। आप अपने ह्यूमन रिसोर्स को इतना पॉजिटिव यूज करो ना यार, अपॉर्चुनिटीज निकालो। ठीक है, सो इंडिया के अंदर इसमें कोई शक नहीं है कि एक बहुत बड़ी तादाद है जो कि ये जो डेवलपमेंट्स हो रही है इसे सिंक नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली एक हिस्से को तो सिंक होना पड़ता है तो दूसरा उससे अटैच होगा ना। सो ये जो क्वेश्चन है कि अभी $5 trillion की इकोनॉमी हो जाएगी, और देन डेफिनेटली ये सवाल हैं जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास से पूछे जाने चाहिए, व्हाट फोर्स देम नॉट पॉलिटिकल एंड एस्टेब्लिशमेंट दोनों से, हम क्यों अपने लोगों को एक अच्छी ह्यूमन रिसोर्स नहीं कर सके। ठीक है, आप फौज से अपनी लड़ाइयाँ लड़ते रहें, आप बाकी सारा कुछ करते रहें और आपस में लड़ते रहें, लेकिन अवाम का भी तो कुछ सोचें, अवाम के लिए आपने क्या किया हुआ? चीमा साहब, आपका सवाल बड़ा अजीब है। हमारा वैसे ये वीडियो जो था ये कुछ टॉपिक से कनेक्ट था, बाकी तो जाहिर सी बात है जो एक आप कह लें कंबाइंड न्यूज़ थी ये कि CNN की रिपोर्ट पे जो आबिद है वो रियल एंटरटेनमेंट चैनल पे अक्सर उसके इंटरव्यूज आती हैं, तो पहले पहले जब आते थे तो लगता था इट्स लाइक
दिल से बात कर रहे हैं। अब कभी कभी ऐसे लगता है कि हर बात पे ही, मतलब वो अंबानी की शादी को लेके भी उसने बड़े स्टेटमेंट दिए थे, जिसपे रोस्ट वीडियो भी बनाया था IML वालों ने। मैंने वो किया नहीं कवर, क्योंकि जाहिर सी बात है अंबानी की शादी वाला टॉपिक थोड़ा ज़्यादा ही ड्रैग हो गया था हमारे चैनल पे। आपको पता है उन दिनों हम गए हुए थे। तो बात सीधी सी है जी, MIRV सिस्टम हो गया या फिर Agni-5 मिसाइल सिस्टम हो गया, इसको लेके चाइना ने ग्लोबल टाइम, जैसे मैंने आपको बताया ना कि उनका स्टेटमेंट ये है कि इट्स अ गुड डेवलपमेंट इन टर्म ऑफ टेक्नोलॉजी। वेस्ट की हम बात करें तो वेस्ट जो है उसका ये कहना है कि जाहिर सी बात है इंडिया ने कई मिसाइल सिस्टम डेवलप किए, तो पाकिस्तान ने भी इसी रेस में लग जाने हैं, चाइना ने भी इसी रेस में लग जाने हैं। ठीक है, वो उनको अपनी पड़ी है, और ईरान को तो वो वैसे ही धमकी लगाई खड़ी है कि खबरदार अगर आपने अपने मिसाइल्स जो हैं वो या मिसाइल टेक्नोलॉजी रशिया में ट्रांसफ़र की। ऐसी खबरें आ रही थी कि रशिया जो है उसको बहुत ज़्यादा हेल्प दी जा रही है ईरान की तरफ से। बाकी CNN की रिपोर्ट हो या फिर चीमा साहब के सवालात हों, हमारे पॉलिटिकल आप कह लें डायस्पोरा से लेके, बात सीधी सी है यार। देखो पॉलिटिशियन से सवाल पूछो, वो कहते हैं जी हमें तो काम ही नहीं करने देते, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हर तीसरे साल आ जाती है, तो किसको पकड़े। मेरे ख्याल में सवाल आवाम को अपने आप से पूछने चाहिए कि क्या उन्होंने कभी ये सोच के भी वोट दिया है कि मुल्क को तरक्की की राह पे डालने, या ये सोच के वोट दिया है कि हमारा लीडर वही सब कुछ है। सवाल है जी, बताइएगा कमेंट सेक्शन में अगर कोई पाकिस्तानी भी हमें देख रहे। मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, सी यू गाइस।